हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मैंने सर्दियों वाले सारे प्लांट इस तरह से शेड में अब रख दिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडेनियम प्लांट के ऊपर। अडेनियम की पूरी जानकारी मैं दूंगी इस वीडियो में। इससे पहले भी मैं अडेनियम का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, और ये मेरा पुराना प्लांट है जिसे मैं पहले एक साल पहले कटिंग एंड ट्रिमिंग कर चुकी हूँ। जहाँ जहाँ से आपने देखा है, इन दोनों जगह से मैंने किया था, और उसी की ये कटिंग है। जो दोनों कटिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई थी, और इसे मैंने इस तरह से इस छोटे से पॉट में लगा के रखा हुआ था। अब इनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, और इस बड़े प्लांट को मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले की ही बात है जब बंदर ने इसे पूरी तरह से निकाल के फेंक दिया था, और उसे मैंने दोबारा से रिपोर्ट किया था। उस वीडियो को शेयर नहीं किया था मैंने, तो इसलिए इसे रिपोर्ट नहीं करूंगी बट ट्रिम कर दूंगी। अब सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए कि उसके सॉइल को बनाना। अब इसके लिए जो नॉर्मल सॉइल हम और सारे प्लांट्स के लिए बनाते हैं, उससे थोड़ा सा हटकर हमें इसके सॉइल को तैयार करना है। आप जो ये वाला सॉइल देख रहे हैं, ये वो सॉइल है जिसमें आप देख रहे हो कंकर पत्थर भी है, और ये वो सॉइल है जिसमें मैंने जो खाद बनाया था, जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार किया हुआ था, उसका वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उसमें से बचा हुआ मोटा हिस्सा है, इसे फेंका नहीं था और इसे मैंने इसी के लिए रखा हुआ था। दूसरा, इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ ये ईंट का चूरा। ईंट जो आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो ये कच्ची ईंट है। कच्ची ईंट, एक पक्की ईंट होती है और एक होती है कच्ची ईंट, तो ये वाली ईंट कच्ची है, और इसे मैं इसके बूरे को ले रही हूँ। साथ ही साथ मैं ले रही हूँ सूखी हुई, यानी कि ड्राई लीव्स ले रही हूँ। तो ये मेरे गार्डन से ही जो निकली हुई लीव्स हैं, उन्हें मैंने सुखा कर रखे हुए थे। तो ये देखिए, इस ईंट वाले चूरे में से मैंने मोटे मोटे हिस्से को अलग कर दिया है, उसे हटा दिया है, उसे नहीं रखना है, और बाकी जो बिल्कुल बारीक और उससे कुछ हल्का सा मोटा है, उसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अडेनियम एक रेगिस्तानी प्लांट है। अडेनियम की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी रेगिस्तानी होनी चाहिए। बस आपने इतना ध्यान करना है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी रेतीली हो। साथ ही साथ जिस तरह से रेगिस्तान का होता है मिट्टी, उसी तरह से आपने तैयार करना है। प्लांट को कोई फंगस ना हो, इस वजह से मैंने इसमें ये नीम खली का यूज़ किया है। साथ ही साथ डीएपी डाल रही हूँ। डीएपी से प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी, और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट, जिससे प्लांट के लीफ और फ्लावर्स के कलर अच्छे बनेंगे और ग्रीनरी अच्छी रहेगी। और साफ फंगीसाइड डाल रही हूँ, जिससे प्लांट को ना ही जड़ों के द्वारा ना ही बाहरी रूप से किसी भी तरह से फंगस अटैक होगा। तो इन सब को मैंने मिक्स कर लिया है और इसकी मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपने मिट्टी तैयार करनी है, बस रेगिस्तानी मिट्टी की तरह आपने मिट्टी तैयार करनी है। प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए, किसी भी प्लांट को जब हम हैं तो उसकी जड़ों को एक्सपोज नहीं करते, जबकि अडेनियम के प्लांट का अलग ही रूल है। इसके प्लांट की जड़ों को एक्सपोज करके 2 दिन तक आप सुखा लें। मैंने भी इसे लगभग 2 दिन तक सुखा लिया है, अब इसे रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए जो मैंने पॉट का चुनाव किया है, वो मैंने मिट्टी वाला पॉट लिया है। पहला प्लांट जो है वो मेरा प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, बट इस बार मैंने इसे मिट्टी वाला पॉट दिया है, और छोटा ही पॉट है ये, लगभग 5 से 6 इंच का पॉट है, और इस पॉट में मैं लगाऊंगी। देखिए, प्लांट 2 दिन सुखाने के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम भी स्टेम इसकी दब नहीं रही है, बहुत हेल्दी प्लांट है। तो अब हम तैयार किए हुए इस मिट्टी को इस पॉट में डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस होल को बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो सारा का सारा मिट्टी जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर रख दें कोई भी एक टिकरी, या आप कोई ऊपर वाली थैली का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो कपड़े वाली थैली होती है, उस थैली का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से उस होल को आपने कवर कर देना है और उसमें मिट्टी को भर लेना है। मिट्टी भरने के बाद आपको इस तरह से प्लांट को रखना है, और इसकी जड़ों को फिर दोबारा से मिट्टी से कवर कर देना है। प्लांट के स्टेम को लगभग 1 से 1.5 इंच आपने कवर कर देना है, और पॉट को 1 से 1.5 इंच आपने खाली भी रखना है वॉटरिंग करने के लिए। तो इस तरह से हो गई आपकी रिपॉटिंग, और इस प्लांट को
हिले नहीं, ये खराब ना हो, तो इसलिए जड़ों की तरफ से आपने अच्छे से दबा देना है ताकि ये किसी भी तरह से हिले नहीं। रिपोर्टिंग के बाद हम करेंगे इसकी ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग के लिए मैंने एक बिल्कुल ही नई ब्लेड ली है, शार्प ब्लेड है, और उस ब्लेड से मैं एकदम इसे अपने हिसाब से जितना रखना है वहाँ से रखने के बाद इसे मैं ट्रिम कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से, मैं कैमरे पे तो नहीं दिखा पा रही हूँ, बट हाँ देखिए ट्रिम करने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि ट्रिम करने के बाद ये इस तरह से हो गया। तो इस कटे हुए हिस्से पे आपने हल्दी या कोई भी फंगीसाइड लगा देना है ताकि प्लांट आपका ख़राब ना हो और इस कटिंग को ना फेंके, उसे आप दोबारा से कहीं ग्रो कर लें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने साफ़ से इसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। बस ध्यान ये रखना है, जब भी आप वाटरिंग करें तो इसके ऊपर कभी भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, ना ही प्लांट को बारिश लगना चाहिए। तो हो गई आपकी रिपोर्टिंग। इसी तरह से आप अपने अरेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करें, कटिंग ट्रिमिंग करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली और भी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इन्जॉय कीजिए गार्डनिंग को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।